नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कल्नरी हॉस्पिटैलिटी क्विज, जिसमें कि मैं आपसे लगभग 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। और जो आज के क्वेश्चन होने वाले बहुत ही ज़्यादा आप बोल दीजिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे गारमेंजर शेफ और हमारे पेंट्री शेफ के लिए। अभी कुछ समय पहले मुझे मेरी एक स्टेफ से बात हुई, एक्चुअली वो ट्रेनिंग कर रहे हैं फिलहाल इस समय पे, जो कि पेंट्री और गारमेंजर एरिया में काम करते हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहीं पे है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि शेफ आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताइए जो कि मैं फ्यूचर में जब भी मैं कहीं ट्रायल पे जाऊं या मैं इंटरव्यू में जाऊं तो मैं वहां पे उनको यूज़ कर पाऊं। तो मुझे भी ये आइडिया क्लिक करा कि क्यों ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो कि आपकी आगे इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन मैं पूछूंगा पर क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते आप लोगों को मालूम है, तो प्लीज़ इनकी आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट में जाके आंसर कर सकते हैं, आप चाहे तो जो भी आंसर होता है उनकी फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं या कोई भी माध्यम आप अपना सकते हैं। पर कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसा कुछ करें ताकि बाकी लोगों को आप नज़र आएँ। अगर आप इंस्टाग्राम में मुझे टैग करेंगे तो बाकी को भी नज़र आएगा कि आपने वो आंसर को सेंड किया है। और प्लीज़ पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ। लगभग कुछ ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कल्नरी नॉलेज आगे बढ़े और साथ साथ आप भी आगे बढ़ें। सबसे पहले गारमेंजर शेफ क्या होता है मैं आपको वो बता दूं। जिस प्रकार से होटल में हमारे डिपार्टमेंट होता है जिनको कि हम लोग हॉट किचन बोलते हैं, जहाँ पे स्पेशली हम चूल्हों पे खाना, गैस रेंज पे खाना, ओवंस पे खाना बनाते हैं, पर कोल्ड किचन एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे खाने को हम लोग कहीं पे कुक नहीं करते हैं। बेसिकली उसका मीज़ा प्ला में हम लोग यूज़ कर सकते हैं पर बेसिकली उसको हम लोग कोल्ड ही सर्व करते हैं। तो गारमेंजर और हमारा पेंट्री एरिया ऐसा होता है जिसको कि हम लोग होटल में कोल्ड किचन भी बोलते हैं। पेंट्री स्पेशली हमारे जो कॉफ़ी शॉप होते हैं कॉफ़ी शॉप के साथ अटैच होता है, किसी होटल में अलग भी होता है। गारमेंजर में प्योरली हमारा जो कोल्ड फूड है वो बनता है, हमारे सैंडविचेज हो गए, सैलड हो गए। और इस डिपार्टमेंट का प्रयोग स्पेशली हमें जो बुफे में खाना जाता है, पार्टीज होती है, फंक्शंस होते हैं, वहाँ के लिए इस डिपार्टमेंट का यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट होता है अगर आप होटल्स में, किसी अच्छे होटल में आपने काम किया है, यहाँ पे आपको कार्विंग्स की जाती है, टेरिन्स, पाते, बुफे के सैलड्स लगाए जाते हैं, सैंडविचेस, कैनपीज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। इवन मैंने जब अपनी कैरियर की स्टार्ट किया तो मैं भी क्लैरिजेस होटल में गारमेंजर डिपार्टमेंट में ही काम करता था। तो चलिए लगभग मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप लोगों को उनको आंसर देने हैं। कमेंट में देंगे तो बहुत ही आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आपको कोई भी 5 सैलेड के नाम बताने हैं। 5 चाहिए सैलेड, आपका वेज भी हो सकते हैं, नॉन वेज भी हो सकते हैं, पर प्रॉपर नाम होना चाहिए, ये ना कि आप सिर्फ लिख दो चिकन सैलेड। जिस प्रकार से चिकन हवाइन सैलेड आप लिखोगे तो वो मैं मानूंगा, पर बाकी अगर आप कुछ और लिखोगे तो मैं उसको नहीं मानूंगा। ये जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपके जो बुफे में जिन्होंने भी काम किया होगा वो है, उनको इसका आंसर मालूम है, मुझे इतना मुझे पूरा यकीन है। दूसरा, यहाँ पे आपको कोई भी 5 सॉस या ड्रेसिंग का नाम बताना है जो कि हम लोग बुफे में यूज़ करते हैं, जैसे कि बाल्समिक विनेग्रेट एक ड्रेसिंग है, हमारा कॉकटेल सॉस एक ड्रेसिंग है जो कि हम लोग बुफे में यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बुफे में 5-10 करीब करके ड्रेसिंग लगी रहती है, उसका नाम आपको बताना है। कोई भी आप 5 पकड़ लीजिए, 2 के तो मैंने आपको नाम बता दिए हैं। इसके बाद आपको बताना है कैनपी क्या होती है, एक छोटा सा एक सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं कैनपी के लिए, या फिर अगर आपके पास कैनपी आपने कभी बनाई है तो उसकी फ़ोटो खींच के मुझे टैग जरूर कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं उसे वहाँ पे अपने स्टोरीज में डाल दूँगा। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो है टेरिन, चिकन टेरिन होती है, वेजिटेबल टेरिन होती है, फिश टेरिन होती है, अलग अलग प्रकार की टेरिन्स होती है, क्या कभी आपने टेरिन बनाई है? आपको सिर्फ यस या नो बोलना है। अगर टेरिन के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, या फिर अगर आपने टेरिन कभी बनाई है तो उसकी फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कर दीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सअप पे भी भेजेंगे तो मैं उसको भी अपने स्टोरीज़ में डाल दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पिनव्हील सैंडविच। आप लोगों ने अगर पेंट्री में काम किया है, गारमेंजर में काम किया है, तो आप लोगों ने पिनव्हील सैंडविच जरूर बनाया होगा। आप लोगों को बताना है पिनव्हील सैंडविच के अंदर जो स्टफिंग होती है क्या होती है। पिनव्हील जैसे कि हमारे व्हील्स होते हैं गाड़ी के, सेम इसी प्रकार से सैंडविच होता है, बाकी उसको टायर की तरह काट देते हैं इसलिए उसको पिनव्हील बोलते हैं। आपको बताना है कि उसके अंदर कौन सी स्टफिंग यूज़ की जाती है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसका आंसर दे दोगे।
इसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो है आपको लेट्यूज का नाम बताना है। हम लोग बुफे में आपने देखा होगा 4 या 5 6 प्रकार के लेट्यूज देते हैं, कहीं कहीं पे तो 10 प्रकार के लेट्यूज भी यूज़ होते हैं। जिस टाइम मैं आपका मैं इरोज इंटरकॉन्टिनेंटल पार्क रॉयल में यूज़ करता, तो हम लोग लगभग वहाँ पे 7 से 8 प्रकार के लेट्यूज यूज़ करते थे। आपको सिंपली 5 प्रकार के लेट्यूज के नाम बताने हैं जो कि हम लोग बुफे में खाने के लिए यूज़ करते हैं। आपको आइसबर्ग का नाम नहीं बताना है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो लेट्यूज सब उसके बारे में जानते हैं। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है आपको बताना है क्लब सैंडविच। हर होटल में क्लब सैंडविच चलता है, आपको बताना है क्लब सैंडविच का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, हम क्यों उसको क्लब सैंडविच बोलते हैं। बेसिकली क्लब सैंडविच के हम लोग 3 ब्रेड यूज़ करते हैं, इसलिए भी हम उसे बोलते हैं, और इसके पीछे एक और रीज़न भी है, आपको वो भी मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8वें नंबर का, वो है आपको बताना है कैप्रेसे सैलेड किसे कहते हैं। कैप्रेसे सैलेड बहुत ही फेमस सैलेड है, हर अगर 5-स्टार होटल में आपने काम किया, इवन रेस्टोरेंट में काम किया, आपको हर जगह ये सैलेड मिल जाएगा। आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कैप्रेसे सैलेड क्या होता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट भी आप लिख देंगे तो मेरे लिए वही काफ़ी है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है वो है कार्विंग। कार्विंग क्या होती है, हम लोग नॉनवेज बूचरी में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग उसको भी कार्विंग बोलते हैं, पर गारमंजर में या पेंट्री में हम लोग कार्विंग करते हैं सब्जियों के साथ फ्रूट्स के साथ, उसको हम लोग कार्विंग बोलते हैं। पर यहाँ पे कार्विंग के लिए हम स्पेशल नाइफ यूज़ करते हैं, आपको उन नाइफ का नाम बताना है, उन नाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर आपके पास वो नाइफ भी है तो आप उनकी फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, मैं अपनी स्टोरीज में वो भी शेयर कर दूंगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, आपको बताना है पाते दी फोयाग्रा। एक अजीब सा नाम है, आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों ने पहली बार भी सुना हो। पाते दी फोयाग्रा एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिश है, आपको बताना है इसके अंदर क्या है या ये डिश क्या है या आपने कभी देखी है। आप गूगल से प्लीज़ इमेज डाउनलोड मत करके स्क्रीनशॉट खींच के मुझे मत भेजिएगा। आपको अगर आपने कभी देखी है, कभी खाई है, कभी यूज़ कीजिए की है तो उसकी फ़ोटो खींच के मुझे आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। बाकी आप आंसर तो सारे के सारे यहाँ पे दे सकते हैं। तो यही 10 क्वेश्चंस थे मेरे लिए आप लोगों के पास, आप इनके आंसर मुझे दे सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।